जनसत्ता दल गठन के बाद पहली बार पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जनसभा को संबोधित किया। राजा भैया ने कहा कि पिछले 25 सालों में उन्होंने जनता का विश्वास प्रेम विश्वास का भरोसा कमाया है। सवाल किससे पूछते हैं कि यहाँ मंच से लोगों को मदद किया जाता है और ये विडंबना ही है। अपने 25 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कुंडला और बाबरगंज की महान जनता साक्षी है, गवाह है इस बात की मंच से हमेशा मर्यादित भाषा का ही हमने प्रयोग किया है। और बड़ा आश्चर्य हुआ जब यहाँ के प्रत्याशी गठबंधन के गए तो जनता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार ने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जमा किया। शैलेंद्र कुमार का कहना है कि कौशाम्बी में रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता के विश्वास पर वे पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। दोबारा मैदान में आए और 10 साल देखिए, पूर्व में जब सांसद थे तो बहुत कुछ किया है मैंने और इसको डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े जो काम हैं जैसे महेवा घाट का पुल और ये हाईवे का लेदरी का पुल, इसके अलावा 132 केवीए का यहाँ सब स्टेशन है और मनोरी का पुल है, आपका रोही का पुल है, भरवारी का बन गया, सिराजी में भी सियारा अगर बन रहा है, आगा में भी बना तो उस समय से मैं लड़ रहा था कि ये क्रॉसिंग से मिल लगती है। एक जनप्रतिनिधि का, सांसद का, एक विधायक का एक और जहां दायित्व होता है कि क्षेत्र की कमियों क्षेत्रीय समस्याओं को अपने सदन में उठाए, वहीं उसका ये भी दायित्व होता है कि वो जनसुलभ हो ताकि जनता उनसे जब चाहे अपनी समस्याओं को बता सकें और उनका निराकरण करवा सकें, उनका निदान कर सकें। कौशाम्बी लोकसभा की अगर बात की जाए तो जो मौजूदा सांसद हैं वो निर्वाचित होने के बाद जनता के बीच में आए नहीं, और इसके साथ ही साथ अन्य जो प्रत्याशी हैं वो मंच से ही इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि उनको चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन पर मुकदमा कायम किया है। ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये इसलिए नहीं है कि एक प्रत्याशी दूसरे को कितनी तेज गाली दे सकता है, कितनी ज़्यादा निंदा कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं ये बताइए, और यही बताने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाते हैं कि एक और जहां विकास में गति आएगी वहीं प्रत्याशी सांसद होने के बाद जनसुलभ होंगे और जन समस्याओं का निराकरण करने में तत्पर रहेंगे।